तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, जहां पर एक पिविटल रोल इंडिया प्ले करने वाला है आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो दोस्तों यहां पर एक 16 नेशन एफर्ट चल रहा है फिलहाल एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा 16 नेशन इन्वॉल्व है, भारत यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि डिसाइड किया गया है कि पुणे के अंदर इस मिशन का डेटा सेंटर बनेगा। वैसे ये टेलीस्कोप मिशन है, बहुत बड़े लेवल पे टेलीस्कोप होगा, इनफैक्ट दुनिया का अब तक का सबसे लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप ये होने वाला है। और कई सारे AI फीचर्स भी कहा गया है कि इसके अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और मेन इसका काम होगा कि जो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स है, हैबिटेबल प्लैनेट्स है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ वगैरह है, उसको सर्च करना। तो इसका जो डेटा सेंटर है वो पुणे में बनेगा। तो जो पूरा डेटा आगे प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकलेगा वो भारत में ही होने वाला है। अगली खबर दोस्तों फिर से पुणे से ही आ रही है, जब टेक महिंद्रा ने कोलैबोरेशन किया है ब्रिटिश IT कंसल्टिंग कंपनी EVIA से, और इनके साथ में मिलकर ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं अपने पुणे कैंपस के अंदर। तो ये कंपनी ऑब्वियसली जो है बड़े लेवल पे काम कर रही है, टेक महिंद्रा भी एक बड़ी कंपनी है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट कोई ना कहीं पीछे है हमारे देश के अंदर, ये अब धीरे धीरे प्रूव हो रहा है ऐसे ही कई कैंपसेस के साथ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है हमारे हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड PSU SGVN से रिलेटेड, जिन्होंने ई टेंडर इनवाइट किया है एक 47.60 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो होगा महाराष्ट्र में। दो बिड्स इसके लिए अंदर दिए जाएंगे, दो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से 56x850 किलोवाट के ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली होने वाले हैं। और यहां पर ये प्रोजेक्ट्स होंगे अकोला और अहमदनगर तालुका के अंदर, और आने वाले 5 साल के हिसाब से इनको इनवाइट किया गया है। अगली खबर दोस्तों श्याम मेटालिक से रिलेटेड, जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है नेचुरल एनर्जी सोर्सेस के साथ, और यहाँ पर इनको एक लाइसेंस मिला है एक आयरन ओर ब्लॉक का, जो कि है सुरजागढ़ के अंदर महाराष्ट्र में। 1526 हेक्टेयर का ये ओवरऑल एरिया है, और यहाँ पर ऑब्वियसली माइनिंग वगैरह कर पाएंगे, ज्यादा मटेरियल निकाल पाएंगे, तो प्रॉफिट्स भी इनके बढ़ेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है मेट्रो रेलवे कोलकाता से, जहां पर कुछ चेंजेस किए जाने वाले हैं नोआपारा बरसात मेट्रो लाइन के ऊपर, जिसको येलो लाइन के नाम से भी जाना जाएगा। और जो नया अभी एयरपोर्ट के बारे में मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि इसका एक्सपांशन वगैरह होने वाला है, इसको देखते हुए इस स्टेशन का लेआउट और लोकेशन जो है वो थोड़ा चेंज होते हुए नजर आएगा। और जो मेन न्यू बारकपुर स्टेशन होने वाला है वो अपना लोकेशन एक अलग लेवल पे बनेगा। इनिशियल जो प्लान्स थे उसके सबसे जमीन से 6.5 मीटर ऊपर स्टेशन होना था, लेकिन प्रोबेबली अब ये थोड़ी दूर बनेगा और प्रोबेबली अंडरग्राउंड भी बनेगा, जो बेसिकली रनवे के नीचे ही हो सकता है न्यू प्लान्स के हिसाब से। तो कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं कोलकाता मेट्रो के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कानपुर के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर कानपुर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नगर टनल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली गई है। 1.8 किलोमीटर लंबी यह टनल है, काफी दो इंपॉर्टेंट एरियाज को ये जोड़ती है, जहां के बीच में बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक होता है, और इसका जैसे कई बिजनेस और कम्यूटर्स को फायदा मिलेगा। कानपुर शहर के अंदर का ये पहला मेजर नोड टनल प्रोजेक्ट था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात के गिफ्ट सिटी से, जहां पर दो और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज यहां पर अपना कैंपस सेटअप कर सकती है। एक तो डायकिन यूनिवर्सिटी है, दूसरी है वोलोंग यूनिवर्सिटी, जिन्होंने पहले ही कहा था वो अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस सेटअप करने वाली है, लेकिन यहां पर और दो यूनिवर्सिटीज भी अपने कैंपस सेटअप करेगी। अगली खबर दोस्तों जो रही है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कहा कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करेंगे देश के 50 एयरपोर्ट्स के अंदर। बेसिकली यहां पर इन्होंने डिसाइड किया है जो टर्मिनल डिजाइन है स्पेशली छोटे और पुराने एयरपोर्ट्स के अंदर, इसको रिकन्फिगर करने का काम किया जाएगा, ताकि जो अंडर यूटिलाइज्ड एरिया है, खाली पड़ी स्पेस है, इनको फंक्शनल स्पेसेस में कन्वर्ट किया जा सके। इसकी वजह से एयरपोर्ट कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन पैसेंजर के लिए जो एमिनिटीज वगैरह होती है, जो एक एक्सेस होता है, वो बेहतर बनेगा। आज के हॉस्पिटल सवाल के बारे में बात करें तो जनीश गजेरा पूछते हैं व्हाई सम मेट्रो स्टेशन रूफ आर लुकिंग सो अगली, व्हाई देयर इज नो सीलिंग कॉन्सेप्ट टू गिव प्रॉपर लुक टू मेट्रो स्टेशन। तो देखो यार, हमारे देश के अंदर ना पैसा हर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी प्रायोरिटी होते हैं। हम दुबई के जैसे जो है बाहर से बहुत बढ़िया दिखने वाले स्टेशन पे खर्च नहीं कर सकते, हम कम से कम पैसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टेशन बनाए, इसलिए हमारे यहाँ पे स्टेशन डब्बा जैसे दिखते हैं। कुछ मेट्रो अगर छोड़ दो, पुणे मेट्रो वगैरह, उसके अंदर अच्छा खासा स्पेंड किया गया बाहरी लुक्स वगैरह के अंदर, लेकिन ज्यादातर मेट्रो लाइन ऐसा नहीं है। एकदम सिंपली कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मेट्रो बन सके, उस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। हालांकि कम पैसों में भी अच्छे इनोवेशन हो सकते हैं, लेकिन हमारे बाबू सर वो चीज सोचते नहीं है। रूफ एक ऐसा पार्ट आता है जहां पर वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। पूरे मेट्रो स्टेशन के लेंथ के अंदर आपको ट्रैक्स के बीच में कॉलम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे वगैरह वगैरह। तो जो पूरा का पूरा एक मेटल स्ट्रक्चर होता है ट्रसेस एंड बीम्स का, वो बनाया जाता है मेट्रो के रूफ के लिए जनरली, या फिर आर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर उसको कवर किया जाए, फॉल सीलिंग बनाई जाए, तो दिक्कत आएगी। इक्विपमेंट ऊपर ओवरहेड का होता है, फिर उसका मेंटेनेंस जब आता है तब वो दिक्कतें प्रोड्यूस करेगी। तो उससे अच्छा जो है उनको वैसे के वैसे छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी वही जो है बेस्ट रूफ ऑप्शन बन के आते हैं। उम्मीद करता हूं सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।